मुल्क में कोरोना की चौथी लहर बरकरार, वायरस ने मजीद 10 अफराद की जान ले ली। अमवात की मजमूई तादाद 28,446 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 457 नए केसेज रिपोर्ट। पाकिस्तान में तस्दीक शुदा केसेज की तादाद 12,74,017 हो गई। मुस्बत केसेज की शरह 1.16% रिकॉर्ड NCOC। मुल्क में खून खराबा नहीं चाहते, कभी भी ताकत के इस्तेमाल और इंतजार का हामी नहीं रहा। बदअमनी का किसी को फायदा नहीं होगा, हालिया सूरत हाल को खुशअसलूबी से हल करने की कोशिश की। मुज़ाकरात ही मसले का वाहिद हल थे, वज़ीर आज़म की कोर कमेटी इजलास में गुफ्तगू। बल्दियाती इंतखाबात में टिकट मेरिट पर देने का ऐलान। रहनुमाओं का आवामी रब्ता मुहिम शुरू करने की हिदायत। बहुत कन्फ्यूजन चल रहा था कि पंजाब में जो इंतखाबात हैं, जो शहरों के मेयर्स के इलेक्शन और डिस्ट्रिक्ट्स के जो मेयर्स के इलेक्शन हैं, वो बराह रास्त होने चाहिए या वो बिल वास्ता होने चाहिए। लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि वो बराह रास्त होंगे, बिला वास्ता होंगे और डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए शहर अपने अपने मेयर जो हैं वो इलेक्ट करेंगे। वजीर आजम चंद रोज तक रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। 1 करोड़ से जायद आबादी को बराह रास्त फायदा होगा। पंजाब में लोकल इंतखाबात बराह रास्त होंगे, फवाद चौधरी की गुफ्तगू। कोर कमेटी ने इलेक्शन कमीशन के वज़रा को नोटिस पर तशवीश का इजहार किया। शाहबाज गिल की मीडिया टॉक। पूरी कोर कमेटी ने इस चीज पे बड़ा तशवीश का इजहार किया, जिस तरीके से आजम सवाती साहब को उनके उस नोटिस को हैंडल किया गया और फवाद चौधरी साहब को, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पूरी कोर कमेटी थी इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर साहब, उनका बड़ा तशवीश था कि जमहूरी मुल्कों में ये जमहूरी रवैये नहीं है कि बात करने की भी आजादी ना दी जाए। मदीना का नाम लेने वाले और बिल्कुल उसके उलट उनके 3.5 साल उन्होंने यहाँ पर काम किया और आज पाकिस्तान की मैशत वहां पहुंच गई है कि खौफ आता है कि आइंदा इलेक्शन के नतीजे में जो भी हुकूमत होगी वो किस तरह इस तबाहशुदा ये मईशत को दोबारा बहाल कर। रियासत मदीना का नाम लेने वालों ने मईशत का बुरा हाल कर दिया। तहरीक अदम एतमाद का अभी वक्त नहीं आया, सियासत में हर चीज दायरे में रहकर मुमकिन है। मुफाहमत करने वाला बार बार जेल नहीं जाता। हुकूमत ने अपोजिशन को दीवार के साथ लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शाहबाज शरीफ की डीजी खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत ने चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से वापस लेकर सदर मुमलिकत को दे दिया। सदर मुमलिकत की मंजूरी से तीसरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी। अवामुन्नास से फ्रॉड और धोखाधही के केसेस 6 अक्टूबर से पहले की पोजीशन पर बहाल। आसिफ अली जरदारी, शाहिद काकान अब्बासी, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ को रिलीफ नहीं मिलेगा। पहले से कायम तमाम मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस वैसे ही चलेंगे। उसमें बहुत सारी शिकें दोबारा बहाल कर दी है, तो इससे जाहिर यह होता है कि जो दूसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस था उस पर शायद हुकूमत ने या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने कोई प्रॉपर होमवर्क नहीं किया था और उसके बाद उस पर जब नैब के एतराजात आना शुरू हो गए तो उन्होंने फिर उसको एक यू टर्न ले लिया। और अब जो खासतौर पर इसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं उनकी हैसियत 6 अक्टूबर से पहले की बहाल कर दी गई है। चेयरमैन नैब को मजीद तहफ्फुज दे दिया गया। जब नैब के एतराजात आए तो हुकूमत ने यू टर्न ले लिया। अब सदर मुमलिकत ही चेयरमैन नैब को निकाल सकते हैं। साबिक अटॉर्नी जनरल शाह कावर की प्रोग्राम सच्ची बात में गुफ्तगू। मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम जेटी बोले, हुकूमती इकदामात के मुस्बत नतीज सामने आ रहे हैं, मईशत बेहतर हो रही है, IMF का टारगेट हम हासिल कर रहे हैं। IMF की तो कोई बहुत बुरी कंडीशन रही नहीं है। IMF के लिए तो आपने आपके बजट का जो भी टारगेट था वो टारगेट से तो आप एक्सीड कर रहे हैं रेवेन्यू में,
अब वो जाहरी बात है कि आईएमएफ की एक शिकायत होती है कि ये फ्यूल प्राइस में आप वो बहुत सब्सिडी ज्यादा दे देते हैं। ये अपने मुल्क में जो क्राइसिस है सारे उसका हल एक ही है, सारे स्टेक होल्डर्स साथ मिलकर बैठे और सारे स्टेक होल्डर्स में एक चीज सिर्फ क्लियर होनी चाहिए कि मुल्क की मफाद में हमने काम करना है। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि मैं फलाने से बात नहीं करूंगा, इसकी शक्ल मुझे अच्छी नहीं लगती, ये चोर है, और फिर खुद गलत फैसले करता रहूंगा और जब खुद बिल्कुल फंस जाऊंगा उसके बाद फिर मदद के लिए पुकारूंगा, तो ये मामला तो पिछले 3 साल से ऐसे ही चल रहा है। पीटीआई इंतखाबात में कैसे जीती सबको मालूम है, अब हवाओं का रुख तब्दील हो चुका, उनकी जमानतें जब्त होंगी, हर बात की जिम्मेदारी हम पर डाल दी जाती है, ऐसा करें विफाक की हमारे हवाले कर दें, वजीर आला सिंह सैयद मुराद अली शाह की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में फिर रद्दोबदल, कामरान बंगश को सूबाई वजीर बना दिया गया, महकमे इत्तलात का कलमदान तफवीज, अरशद अयूब खान को भी सूबाई वजीर का ओहदा मिल गया, ऐलानिया जारी। हुकूमत ने महंगाई में पिसे आवाम पर एलपीजी बम गिरा दिया, कीमत में मजीद 13 रुपए 20 पैसे का इजाफा, 216 रुपए 90 पैसे फी किलो हो गई, घरेलू सिलेंडर भी 155 रुपए 8 पैसे महंगा हो गया। भारत न्यूजीलैंड अफगानिस्तान के बाद अब नबीबिया की बारी, पाकिस्तान आज अबू धाबी में नबीबिया से मैच खेलेगा, तीनों मैचेस जीतने के बाद शाहीनों का हौसला बुलंद, कौमी टीम 6 पॉइंट्स के साथ ग्रुप में सरफहरिस्त। कौमी स्क्वाड का आईसीसी एकेडमी में ट्रेनिंग सेशन, खिलाड़ियों का बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग पर जोर, मुसलसल फतोहात से टीम का मोराल बुलंद, नबीबिया के खिलाफ मैच की तैयारी कर रहे हैं शोएब मलिक। और मंशियात केस में 8 साल कैद की सजा पाने वाली गैर मुल्की मॉडल ट्रीसा बरी, लाहौर हाईकोर्ट के दो रुकनी बेंच ने तफसीली दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया।